मतगणना की तैयारियों में जुटा प्रशासन, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सहित त्रुटिरहित व पारदर्शी मतगणना के लिए किए गए हैं चाक चौबंद इंतजाम। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 4 जून को मतगणना का कार्य संपन्न होगा, जिसको लेकर जनपदीय उच्चाधिकारी सुदृढ़ व्यवस्था प्रबंध में जुटे हुए हैं। ईडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि 68 लालगंज के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभाओं की मतगणना भारतीय खाद्य निगम चकवल में और 69 आजमगढ़ के अंतर्गत आने वाली कुल 5 विधानसभाओं की मतगणना भारतीय खाद्य निगम बेलिसा में संपन्न होगी। मतगणना स्थल तैयार है। प्रत्येक विधानसभा में कुल 14 टेबल और प्रत्येक टेबल पर 4 मतगणना कामिकों की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रत्येक टेबल पर 1 एआरओ प्रभारी होंगे तथा प्रत्येक टेबल पर 1 माइक्रो ऑब्जर्वर, 1 मतगणना पर्यवेक्षक तथा 2 मतगणना सहायक रहेंगे। 69 आजमगढ़ लोकसभा में 20 गणना टेबल एवं 1 आरओ टेबल, 3 रिजर्व टेबल लगाई जाएगी तथा 68 लालगंज में 18 गणना टेबल, 1 आरओ टेबल एवं 3 रिजर्व टेबल लगाई जाएगी। इसके अलावा मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। बाइट राहुल विश्वकर्मा, ईडीएम प्रशासन। दोनों लोकसभा का मतगणना कहाँ कहाँ होना है? 68 लालगंज सुरक्षित सीट की गणना FCI भारतीय खाद्य निगम के गोदाम चकवल स्थित गोदाम में होनी है। वहाँ पर 5 विधानसभाओं क्रमशः 343 अतरौलिया, 348 निजामाबाद, 349 फूलपुर पवई, 350 दीदारगंज और 351 लालगंज की गणना के लिए मतगणना हॉल तैयार कराए जा रहे हैं। और 69 आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं क्रमशः 344 गोपालपुर, 345 सगरी, 346 मुबारकपुर, 347 आजमगढ़ और 352 मेहनगर की गणना भारतीय खाद्य निगम के बेलैसा स्थित गोदाम पर होनी है। सर, कितने कर्मी लगाए गए हैं और कितने टेबल? इसमें प्रत्येक विधानसभा में मतगणना करने के लिए, मशीनों की मतगणना करने के लिए 14 टेबल रहती हैं। प्रत्येक टेबल पर 4 कार्मिक लगाए जाते हैं, जिसमें 1 काउंटिंग सुपरवाइज़र, 1 काउंटिंग असिस्टेंट, 1 माइक्रो ऑब्जर्वर तथा 1 चतुश्रेणी कार्मिक रहते हैं। तो इस हिसाब से यही व्यवस्था सभी विधानसभा क्षेत्रों में की गई है। इसके अतिरिक्त जो पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए है, उसकी टेबल की संख्या कुल प्राप्त डाक मतपत्रों पर निर्भर करती है। प्रत्येक टेबल पर 500 पोस्टल बैलेट गिनने के हिसाब से टीमों की व्यवस्था की गई है। और अभी जो प्रस्तावित है वो आजमगढ़, 69 आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए 20 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती और 12 टेबल पर ATPBS की स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार 68 लालगंज के लिए 19 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती और 60 टेबल पर ATPBS की स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएँ हैं और सर, कब तक रुझान आना चालू हो जाएगा? सुरक्षा को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश के क्रम में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा रहेगा मतगणना स्थल पर। आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनके जिम्मे है। द्वितीय जो मीडियम श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है वो PAC द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और बाहर की सुरक्षा जनपदीय पुलिस के द्वारा की जाएगी। मीडिया के लिए क्या व्यवस्था है सर, कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी? जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि सभी मतगणना स्थलों पर एक एक मीडिया सेंटर की स्थापना की जाए, तो हम लोगों ने मीडिया सेंटर की स्थापना दोनों मतगणना केंद्रों पर की है। वहाँ पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो प्रत्येक चक्र में जो मतगणना होगी कैंडिडेट वाइज उसका डाटा उपलब्ध कराएंगे। रुझान कब से आना स्टार्ट हो जाएगा? जुलूस पे क्या प्रतिबंध है? रुझान के संबंध में तो देखिए, जब मतगणना एक बार शुरू होगी तब फिर जैसे जैसे चक्र डिक्लेयर होते जाएंगे उस हिसाब से आप लोगों को उसका डाटा उपलब्ध कराया जाएगा कि किस कैंडिडेट को कितने वोट किस चक्र में मिले हैं, तो उससे आप रुझान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद किसी भी प्रत्याशी या दल को विजय जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। धारा 144 जनपद में लागू है, जिसमें भी विशेष रूप से इस तरह के किसी भी जुलूस को बिना अनुमति के निकालने के लिए मनाही दी गई है।